दिल्ली नगर निगम के सहादरा साउथ जोन कार्यालय में मंगलवार शाम डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही ने जोन के निगम पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में जोन के अलग अलग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शामिल निगम पार्षदों ने वार्ड से जुड़ी समस्याओं को अंशुल सिरोही के समक्ष रखा। डीसी ने पार्षदों को आश्वासन दिया कि उनके क्षेत्र की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। बैठक में शामिल भाजपा पार्षदों ने कहा कि निगम की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी जानबूझकर जोन का गठन नहीं कर रही है। जोन का गठन नहीं होने से क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पार्षदों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा पार्षदों ने बताया कि डीसी के साथ हुई बैठक में पार्षदों ने डेंगू के बढ़ते मामले, साफ सफाई की लचर व्यवस्था, आवारा पशुओं की समस्याओं को रखा। डीसी के साथ और सभी पार्षद थे वहाँ पे, जितने भी अधिकारी थे एमसीडी के, वो सभी अधिकारी थे, ताकि सभी के क्षेत्र में जो जो पार्षदों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही है वो हम डीसी से अपनी शेयर कर सके कि किसी की गाय की समस्या थी, किसी की वैनिटी वैन को लेके समस्या थी, किसी की समस्या थी कि मेट्रो वेस्ट वाले जो है वो कूड़ा नहीं उठा रहे, तो सभी पार्षद की अपनी अपनी अलग अलग समस्या थी। डीसी की तरफ से तो पूरा आश्वासन मिला है। अब देखते ये है कि फर्स्ट मीटिंग थी उनकी सभी पार्षदों के साथ, कि आगे ये आश्वासन ही मिलता है या वाकई इस फील्ड में कोई काम होता है। परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अधिकारी तभी पूरी तरीके से सुनेंगे जब हमारा जोन बन जाएगा, और ये चीज़ हम उन्हें बताते हैं कि जोन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ बीजेपी का बनने वाला है। और इस चीज़ का डर केजरीवाल जी को भी है कि इनका बीजेपी का जोन दो क्षेत्रों दो साइड में बन रहा है और तुम्हें कहीं मुँह की ना खानी पड़ जाए 2024 के चुनाव में, और यही कारण है कि वो जोन नहीं बनने दे रहे। निश्चित रूप से डीसी साहब ने जैसे हर मास बुलाते हैं पार्षदों को, तो उसमें उन्होंने सभी पार्षदों के जो सहादरा साउथ जोन के पार्षद हैं सभी को बुलाया था, और हमने सभी पार्षदों ने अपनी अपनी ग्रीवेंसेस रखी। जैसे मालियों की कमी है, अभी जैसे कर्मचारियों की कमी है, अभी डीबीसी का विषय आया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा 418 सहादरा साउथ में हो गए, तो इस पर भी चिंता की गई। और मैंने भी निवेदन किया, सभी पार्षदों ने निवेदन किया कि हर बात के लिए हमको कोर्ट का सहारा नहीं लेना चाहिए कि साहब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है, फॉगिंग नहीं होगी, पाउडर नहीं छिड़का जाएगा, पेड़ों की छटाई नहीं होगी। तो सब चीज़ें ही अगर ऐसे हो जाएंगी तो निश्चित रूप से फिर जनता चुने हुए नुमाइंदों को पूछती है कि ये काम कैसे होंगे, कब होंगे। तो उस लिहाज से आज सफाई पर विशेष रूप से बातचीत हुई, क्योंकि आज मेट्रो वेस्ट को बुलाया हुआ था जो हमारे घर घर से कूड़ा एकत्रित करती है, तो मेट्रो वेस्ट के अधिकारियों से भी ये कहा गया कि अपने संसाधन बढ़ाएं, क्योंकि एक एक वार्ड में केवल चार चार पाँच पाँच टिपर हैं, वो संभव नहीं है कि उससे वो सारा काम कर सकें। तो संसाधन बढ़ाने के लिए डीसी साहब ने उनको कहा है कि आप अपने संसाधन बढ़ा लीजिए। शर्मा जी, जिस तरीके से जोन का गठन नहीं हो रहा है, इसमें कितना परेशानी हो रही है आप लोगों को अपने क्षेत्र के काम को कराने में? निश्चित रूप से अभी तक जोन नहीं बना और तो और स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, तो आज 9 महीने 10 महीने हो चुके हैं, इतने के बाद भी अभी कोई नहीं बना, कोई कमेटी नहीं बनी, इससे बहुत ज़्यादा जनता का लॉस हो रहा है। जनता को इससे बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि जोन चेयरमैन बन जाएगा तो निश्चित रूप से वार्ड कमेटी हमारी हो जाएगी। अब डीसी साहब जब बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं, नहीं तो अभी तो हम यहाँ किस लिए आए, अधिकारियों के पास आना होता आ जाते हैं। वार्ड कमेटी बनने के बाद हमारा सुचारू रूप से अधिकारियों से कि क्या हमने शिकायतें की थी और क्या समाधान निकले, ये पूछने का तभी बनेगा जब वार्ड कमेटी बन जाए।